हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्काला होस्टिंग के बारे में। तो स्काला होस्टिंग में आपको शेड होस्टिंग देखने को मिल जाएगी, वर्डप्रेस होस्टिंग, इसके बाद वीपीएस होस्टिंग देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम शेड होस्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में आपको जो शेड होस्टिंग होता है उसका कम्प्लीट ट्यूटोरियल मिल जाएगा कि कैसे आपको प्लान चूज करना है, कैसे डोमेन लेना है, कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, कैसे एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना है। तो आप वीडियो पूरा देखिए एंड आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल मिल जाएगा। तो अगर आपको स्काला होस्टिंग बाय करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्काला होस्टिंग की तरफ से क्लाउड वीपीएस होस्टिंग, इसके बाद सेल्फ मैनेज क्लाउड वीपीएस होस्टिंग, इसके बाद वेब होस्टिंग एंड वर्डप्रेस होस्टिंग, तो ये इतनी टाइप की होस्टिंग आपको देखने को मिलेगी स्काला होस्टिंग में। तो यहाँ पर ये जो वेब होस्टिंग एंड वर्डप्रेस होस्टिंग है ये दोनों सेम है, सिर्फ जो उसका नेम है वो उसका डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है इस दो प्लान में। तो यहाँ पर जो सेल्फ मैनेज क्लाउड वीपीएस होता है उसमें हमें अपने हिसाब से सब कुछ मैनेज करना पड़ता है जो टर्मिनल में जाके, तो वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, तो यहाँ पर उसके बारे में बात नहीं करेंगे हम। एंड जो ये मैनेज क्लाउड वीपीएस है तो उसका एक वीडियो सेपरेटली वीडियो में क्रिएट कर दूंगा, तो वो वीडियो आप देख लेना अगर आपको क्लाउड वीपीएस होस्टिंग बाय करनी है। तो यहाँ पर आज के वीडियो में हम जो वेब होस्टिंग है उसके बारे में बात करेंगे, ये जो वेब होस्टिंग एंड वर्डप्रेस होस्टिंग है इसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो प्राइसिंग है वो वेब होस्टिंग में देखते हैं कि कितने प्लान अवेलेबल है एंड हमें कौन सा प्लान बाय करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके जो कुछ फीचर्स है वो, तो सभी प्लान्स में आपको स्पीड देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर सभी प्लान्स, अगर आप कोई भी प्लान लोगे तो आपको फ्री एंड अनलिमिटेड माइग्रेशन देखने को मिलेगा। मतलब अगर आपकी वेबसाइट कोई ओवर होस्टिंग पे होस्टेड है, जैसे कि कोई होस्टिंग या एट होस्टिंग, तो ऐसे कुछ ओल्ड होस्टिंग पे आपकी होस्टिंग है, एंड अगर आपकी वेबसाइट आपके जो न्यू होस्टिंग स्काला होस्टिंग पे माइग्रेट करना चाहते हो आपकी वेबसाइट, तो आपको सपोर्ट से बात करनी होगी एंड वो आपके लिए टिकट क्रिएट करेंगे एंड आपको लॉगिन डिटेल्स देने होगी। उसके बाद जो आपकी वेबसाइट है वो स्काला होस्टिंग की सपोर्ट टीम आपको माइग्रेट करके देगी एंड आपको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। इसके बाद सभी वेबसाइट के लिए आपको फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद 99.9% की अप टाइम गारंटी देखने को मिलेगी आपको। इसके बाद सभी प्लान लोगे तो आपको उसमें 30 डेज मनी बैक गारंटी मिलेगी, मतलब 30 डेज तक आप मनी बैक क्लेम कर सकते हो। तो अगर आपको ये स्काला होस्टिंग की होस्टिंग आपको पसंद नहीं आ रही या आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो आप उसे 30 डेज तक बोल सकते हो, जो आप कैंसिल कर सकते हो जो आपका अकाउंट है, ना जो आपका पूरा अमाउंट जो आपने पे किया होगा वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें तीन प्लान अवेलेबल है, मिनी, स्टार्ट एंड एडवांस। तो यहाँ पर ये जो मैनेज वीपीएस है वो मैंने पहले बताया, मैनेज क्लाउड वीपीएस, तो ये उसका प्लान है। तो यहाँ पर उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, उसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये तीन प्लान अवेलेबल है, मिनी, स्टार्ट एंड एडवांस। सबसे पहले प्लान के बारे में बात करते हैं मिनी। तो यहाँ पर मिनी प्लान में आप एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, आपको 20 GB का एसएसडी स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, इसके बाद 1 कोर CPU, इसके बाद फ्री माइग्रेशन, तो मैंने पहले बताया आपको कि अनलिमिटेड फ्री माइग्रेशन देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद ये शेड होस्टिंग है वो, इसके बाद फ्री डोमेन मिलेगा आपको 1 साल के लिए, उसके बाद जो आपको उसकी रेगुलर प्राइसिंग है उस प्राइसिंग से आप इसको रिन्यू कराना होगा डोमेन को। इसके बाद फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट, इसके बाद फ्री सीडीएन, तो वो जो क्लाउड पेयर का सीडीएन है वो आपको मिलेगा, तो ये तो किसी भी मिल जाएगा आपको। इसके बाद अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो आप, अनलिमिटेड डाटाबेस, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, इसके बाद वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल, तो आपको सॉफ्टा क्लोनस का ऑप्शन मिलेगा, उसे आप वर्डप्रेस या ड्रूपल, जुमला जैसे और कुछ भी सीएमएस है आप, अगर आपको इंस्टॉल करना है तो वो कर सकते हो। इसके बाद बैकअप्स की बात करते हैं, तो डेली एक बैकअप क्रिएट होगा आपका और ऐसे करके 7 डेज तक जो बैकअप क्रिएट होंगे एंड उस बैकअप में से आप कोई भी रिस्टोर कर सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट कभी हैक हो जाती है या मेलवेयर आ जाता है या वायरस, तो ऐसा कुछ इश्यू आता है, तो आपके पास 7 बैकअप हो गए डेली का एक एक, तो ऐसे 7 डेज का बैकअप में कोई आप एक सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं स्टार्ट वाले प्लान में। तो यहाँ पर मिनी प्लान के जो प्राइसिंग है उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो $4 है एंड उसकी जो रिन्यूअल प्राइसिंग है वो $7। तो रिन्यूअल प्राइसिंग में ऐसा है, अगर आप 12 मंथ्स के लिए रिन्यू कराओगे
तो आपको $10 पे करना होगा। अगर आप 24 मंथ्स के लिए रिन्यू कराओगे तो आप $9 पर मंथ पे करना होगा। इसके बाद अगर आप 36 मंथ के लिए रिन्यू कराओगे तो आपको $7 पर मंथ देना होगा। तो यहाँ पर इसमें भी ऐसा है कि मान लो कि आप कोई शेयर होस्टिंग बाद बाय करते हो तो आपको जो प्राइसिंग है, अगर आप 3 साल के लिए या 2 साल के लिए लेते हो तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 1 साल के लिए लोगे तो आपको कम डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन स्काला होस्टिंग में ये है कि अगर आप रिन्यू कराते टाइम भी ज़्यादा टाइम के लिए लेते हो, मतलब अगर आप 3 साल के लिए रिन्यू कराते हो तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्राइसिंग है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद स्टार्ट वाला प्लान की प्राइसिंग है $6 पर मंथ, एंड उसकी जो रिन्यूअल प्राइसिंग है वो $9 पर मंथ अगर आप 3 साल के लिए लेते हो, और अगर आप 1 साल के लिए रिन्यू कराओगे तो आपको $12 पर मंथ देना होगा। इसके बाद इस प्लान में आप अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, 15 GB का SSD स्टोरेज देखने को मिलेगा, इसके बाद 2X CPU, इसके बाद फ्री माइग्रेशन, इसके बाद यहाँ पर ये कुछ फीचर सेम है। इसके बाद इसमें आपको एक एक्स्ट्रा फीचर ये देखने को मिलेगा कि जो साइबर सिक्योरिटी वाला, तो जो आपकी वेबसाइट पे कोई मेलेशियस अटैक होते हैं तो उसे प्रिवेंट करेगा एंड आपकी वेबसाइट हैक होने से बचा सकता है। तो यहाँ पर और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके बाद यहाँ पर एडवांस प्लान के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो $10 है, एंड उसकी जो रिन्यूअल प्राइसिंग है वो $14 पर मंथ अगर आप 3 साल के लिए रिन्यू कराते हो तो, अगर आप 1 साल के लिए रिन्यू कराओगे तो आपको $16 पर मंथ देना होगा। तो यहाँ पर इसकी जो प्राइसिंग है वो थोड़ी कन्फ्यूजिंग है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा अगर आपको समझ नहीं आया है तो। तो यहाँ पर एडवांस प्लान में आपको अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, 100 GB का SSD स्टोरेज देखने को मिलेगा, 4X CPU पावर, इसके बाद फ्री माइग्रेशन, तो ये कुछ फीचर्स वो जो सेम है। इसके बाद इसमें आपको एक्स्ट्रा प्रो स्पैम प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, इसके बाद SEO एनालिसिस एंड प्रायोरिटी सपोर्ट, तो ये जो एक्स्ट्रा फीचर है वो, एंड यहाँ पर ये मैनेज VPS, तो इसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये मिनी वाला प्लान रिकमेंड नहीं करता, एंड ये जो एडवांस वाला प्लान है वो भी रिकमेंड नहीं करता। तो अगर आपको स्टार्ट वाला प्लान लेना है तो आप ये प्लान होस्टिंग की तरफ देख सकते हो। तो अगर आपको मिनी वाला प्लान लेना है तो मत लेना, क्योंकि उसमें सिर्फ आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकोगे एंड उसकी जो प्राइसिंग है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपके पास कम बजट है तो आप होस्टिंगजर की तरफ देखो, क्योंकि उसमें आपको कम प्राइसिंग में अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा एंड आपकी जो प्राइसिंग है वो भी थोड़ी कम देखने को मिलेगी, एंड उसमें आप अनलिमिटेड वेबसाइट भी होस्ट कर पाओगे। इसके बाद स्टार्ट वाले प्लान में आप अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर पाओगे, एंड स्टार्ट वाले प्लान एंड एडवांस वाले प्लान में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपके पास एडवांस प्लान जितना बजट है तो आप मैनेज VPS वाला प्लान बाय कर लेना, उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो ले दूंगा। तो यहाँ पर आज के जो वीडियो है उसके लिए हम ये स्टार्ट वाला प्लान चूज करेंगे। तो यहाँ पर स्काला होस्टिंग की खास बात यही है कि अगर आपको ट्रायल देखना है, मतलब आपको स्काला होस्टिंग चेक करना है, तो आपको एक ट्रायल मंथ का ऑप्शन मिलेगा। तो वो मंथ आप सिर्फ $1 में यूज कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो कि आपको होस्टिंग अच्छी लगी या नहीं, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसका सपोर्ट कैसा है। तो यहाँ पर उसके बाद अगर आपको रिन्यू कराना है तो करा सकते हो, वरना कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 3 साल के लिए लूंगा, तो यहाँ पर आप जितने ज़्यादा टाइम के लिए लोगे उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो यहाँ पर जो आप अपने हिसाब से जो टर्म सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लो। इसके बाद यहाँ पर अगर प्राइसिंग देख सकते हो कि 1 साल के लिए लोगे या 2 साल के लिए, तो आपको जो प्राइसिंग देनी होगी वो। इसके बाद यहाँ पर आपको सर्वर चूज करना है, तो यहाँ पर सर्वर आप ऐसा चूज करो जो आपकी वेबसाइट की ऑडियंस के करीब हो। मैं हर वीडियो में आपको बात बताता हूँ कि सर्वर आपको वही चूज करना चाहिए जो आपकी वेबसाइट की ऑडियंस से करीब हो, ना कि आपके करीब हो। तो यहाँ पर मैं जो डिफॉल्ट रहने देता हूँ USA दलास वाला। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर अगर आपको न्यू डोमेन रजिस्टर करना है तो फ्री डोमेन मिलेगा आपको 1 साल के लिए। तो अगर आपको फ्री डोमेन लेना है तो यहाँ पर आपको जो डोमेन लेना है वो डाल देना है। इसके बाद अगर आपके पास कोई और डोमेन रजिस्ट्रेशन में डोमेन है और उसको आपको स्काला होस्टिंग पे ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पर आप से कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन है ट्रांसफर योर डोमेन फ्रॉम अनदर रजिस्टर। इसके बाद अगर आपके पास ओल्ड डोमेन है और उसको ट्रांसफर नहीं करना, आपको पुराने रजिस्ट्रेशन में ही रखना है, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन चूज करना होगा, आई विल यूज माई एक्सिस्टिंग डोमेन एंड अपडेट माई नेम सर्वर। तो यहाँ पर मैं कुछ नई डोमेन डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप इतने इतने सारे एक्सटेंशन देखने को मिलेंगे।
तो उनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं डॉट कॉम रहने देता हूँ। इसके बाद सर्च पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कि डोमेन अवेलेबल है या नहीं। तो अगर ये डोमेन अवेलेबल होगा तो आपको यहाँ पर ये देख सकते हो कि ये जो आपको फ्री में मिलेगा, तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर है कि गेट इट नाउ फ्री फॉर द फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसको कार्ट पे एड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास पुराना अकाउंट है स्काला होस्टिंग का, तो यहाँ पर उसकी डिटेल आप यहाँ पर डाल दीजिए। एंड अगर आपके पास नया अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हो। आपका ईमेल एंड पासवर्ड, इसके बाद पासवर्ड कंफर्म कर देना है। इसके बाद यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर मैं अपना लॉग इन कर लेता हूँ एक बार। तो मेरा अकाउंट पहले से है तो मैं लॉग इन कर लेता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर आपको जो आपकी डिटेल्स है वो डाल देनी होगी। इसके बाद यहाँ पर आपके जो कुछ एड्रेस एंड वगैरह डिटेल्स डाल देने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। तो इसमें आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से। इसके बाद अगर आपके पास पेपाल है या बैंक ट्रांसफर, तो जो भी आपके पास पेमेंट मेथड अवेलेबल हो उससे आप पेमेंट कर दो। इसके बाद यहाँ पर आपको कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करना होगा। ऑर्डर कंप्लीट हो जाने के बाद आपका जो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो तब आपको एक ईमेल मिलेगा, एंड जो आपको स्काला होस्टिंग के डैशबोर्ड है उस पे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पर मैं कुछ बात करता हूँ स्काला होस्टिंग के सपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पर स्काला होस्टिंग में आपको जब भी आप चैट से बात करोगे तो आपको 30 सेकंड्स का रिस्पॉन्ड मिल जाएगा, उसकी गारंटी देता है स्काला होस्टिंग। इसके बाद अगर आप कोई टिकट क्रिएट करोगे तो आपको 15 मिनट में उसका इनिशियल रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो ये बात मुझे अच्छी लगी स्काला होस्टिंग में। स्काला होस्टिंग का सपोर्ट है बहुत ही ज़्यादा है। मैंने कम से कम 10 बार या इससे ज़्यादा बार बात की है सपोर्ट से। हर बार सपोर्ट मुझे जो मेरा इश्यू होता है वो फिक्स कर देता है। एंड सपोर्ट भी टीम भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा, एंड जो आपका प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी फिक्स कर देगा स्काला होस्टिंग की सपोर्ट टीम। तो यहाँ पर मैं आपको मेल्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा एंड आपका जो अकाउंट में आप डिडक्ट हो जाओगे, इसके बाद यहाँ पर आपको जो मेल डाला होगा उसमें आपको ये मेल्स देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपका जो डिटेल्स है वो सब किया है, जैसे कि आपने कौन सा प्लान लिया है, आपका डोमेन, इसके बाद इसका जो बिलिंग साइकिल है, इसके बाद इसका ड्यू डेट, एंड इसके बाद यूजर नेम पासवर्ड। तो यहाँ पर ये जो स्काला होस्टिंग की डिटेल्स है। इसके बाद यहाँ पर ये सर्वर इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर ये चीज आपको केयरफुली देखनी होगी। तो यहाँ पर आपको नेम सर्वर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आपने स्काला होस्टिंग की तरफ से जो को फ्री का डोमेन मिला है वो लिया है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होगा। आपको नेम सर्वर को कुछ झंझट नहीं होगी। लेकिन अगर आपका डोमेन कोई और रजिस्ट्रेशन में है, जैसे कि गोडीडी या नेमचीप या गूगल, तो यहाँ पर उसके लिए आपको नेम सर्वर अपडेट करने होंगे। तो यहाँ पर मैं अपना नेम सर्वर कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो डोमेन है वो नेमचीप में है। मैंने अपना जो नेमचीप अकाउंट है उसमें लॉग इन करके रखा है। तो ये मेरा जो डोमेन है वो, तो यहाँ पर इस पे मैनेज में क्लिक करके मैं अपने नेम सर्वर अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको डोमेन वाले सेक्शन में यहाँ पर आपको नेम सर्वर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। तो अगर आपके पास गोडीडी या और कोई प्रोवाइडर में है तो आपको सेम प्रोसेस करनी होगी। आपको जो नेम सर्वर है वो चेंज करने होंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अगर आपके पास नेम चिप है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा कस्टम डीएनएस। ये जो दो नेम सर्वर आपको मेल्स में देखने को मिलेगी वो आपको यहाँ पर डाल देने के बाद यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक कर देने के बाद आपका जो नेम सर्वर है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा, एंड आपकी होस्टिंग और डोमेन दोनों कनेक्ट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है, 48 आवर तक का को थोड़ा वेट करना है। यहाँ पर मैंने पहले से ही ये जो नेम सर्वर है वो डाल के रखे हैं वीडियो में, मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो बना सकूँ। तो यहाँ पर इसमें आपको जो सभी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, एफटीपी डिटेल्स, इसके बाद सीपीएनएल की डिटेल्स। तो यहाँ पर आप ये मेल को सेव कर लेना, इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं अपना जो स्काला होस्टिंग का डैशबोर्ड है उसमें लॉग इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो स्काला होस्टिंग का डैशबोर्ड है, तो यहाँ पर अगर आपने सपोर्ट टिकट ओपन किया तो यहाँ पर आप उसका ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इनवॉइस, और अगर आपने डोमेन लिया है तो यहाँ से उसका ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कौन सा प्लान अभी होस्टिंग का अवेलेबल है तो यहाँ पर अदर सर्विस में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास ये जो वेब होस्टिंग का स्टार्ट वाला प्लान है, इसके बाद ये जो कुछ क्लाउड वीपीएस का प्लान है, तो उसके लिए अलग से वीडियो लगेगी आपकी तरफ से। तो यहाँ पर इस वाले प्लान के बारे में बात करेंगे, वेब होस्टिंग स्टार्ट प्लान के बारे में। तो यहाँ पर इसकी रिन्यू डेट देख सकते हो, इसके जो प्राइसिंग है वो देख सकते हो। तो यहाँ पर मैनेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेंगे। तो
तो यहाँ पर आपको पासवर्ड चेंज करना है या रिन्यू करना है और चेंज प्लान तो ऐसा कुछ तो कैंसिल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं मैनेज सर्विस पे क्लिक करता हूँ तो वहाँ पर हमें पूरी डिटेल्स देखने को मिलेगी होस्टिंग की, जो हमारा अकाउंट है उसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका डिस्क यूजेस कितना है, बैंडविड्थ यूजेस कितना है, इसके बाद हमारा डोमेन कौन सा प्लान है, इसके बाद यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स है। तो यहाँ पर एक्शंस में आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आप सीपीएनएल में लॉग इन कर सकते हो, वेब मेल में लॉग इन कर सकते हो, इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं सीपीएनएल में लॉग इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर स्काला होस्टिंग में आपको सीपीएनएल देखने को मिलेगा, तो उसी से आप अपनी पूरी होस्टिंग को कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो सीपीएनएल है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर इसमें कुछ ग्लास जोधा नाम की थीम है वो है, तो यहाँ पर मैं अभी थीम चेंज कर लेता हूँ। ओके गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर जब सी पैनल पहली बार ओपन हुआ तो उसमें कुछ ग्लास नाम की एक जो थीम आती है वो थी, तो लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। यहाँ पर ये जो सी पैनल का ओल्ड वाला जो थीम है वो लुक है, तो वो सबको ये सही लगता है। तो यहाँ पर ये तो इसमें आप इजी टू अंडरस्टैंड है। तो यहाँ अगर आपको होस्टिंग में आपको भी ऐसा इश्यू आता है कुछ थीम का, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा चेंज स्टाइल। तो यहाँ पर उसे क्लिक करके आप थीम चेंज कर सकते हो, जो आपको ये वाली थीम अच्छी लगे तो ये यूज कर सकते हो, एंड अगर आपको कोई और अच्छी थीम चाहिए तो वो यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपको ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर फाइल मैनेजर एक्सेस कर सकते हो यहाँ से। इसके बाद बैकअप्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये कुछ एसईओ के ऑप्शन है। इसके बाद पीएचपी माय एडमिन एंड माय एसक्यूएल डेटाबेस, तो इसका ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप डोमेन्स में जाकर देख सकते हो कि कितने डोमेन आपने होस्टिंग में डाल के रखे हैं। इसके बाद अगर आपको डोमेन ऐड करना है तो ऐड ऑन डोमेन पे क्लिक करना है, सब डोमेन में जाके आप सब डोमेन ऐड कर सकते हो। इसके बाद जोन एडिटर, तो अगर आपको कभी टीएक्स रिकॉर्ड ऐड करना है या सीएनएम रिकॉर्ड ऐड करना है या ए रिकॉर्ड ऐड करना है तो आपको जोन एडिटर में जाके करना होगा। तो यहाँ पर ये कुछ एनालिटिक्स के ऑप्शन है। इसके बाद सिक्योरिटी के कुछ, तो अगर आपको एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर आपको एसएसएल टीएल स्टेटस पे क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा रन ऑटो एसएसएल, तो यहाँ पर आपको सब डोमेन क्लिक करना है। इसके बाद रन ऑटो एसएसएल पे क्लिक कर देना होगा। तो ये प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट का, तो तब तक के लिए आपको वेट करना है जब तक ये ग्रीन लॉग ना आ जाए। तो यहाँ पर ग्रीन लॉग आ जाने के बाद आपका जो एसएसएल सर्टिफिकेट है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको और जो बाकी के ऑप्शन है वो दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्लाउड पर कनेक्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद ये कुछ पर्ल का, इसके बाद रूबी का, इसके बाद पीएचपी, तो यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन है। अगर आप डेवलपर हो तो आपको इसके बारे में पता होगा। तो यहाँ पर आपको क्रोन जॉब ऐड करना है तो यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद वर्डप्रेस, तो इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको कभी पीएचपी का वर्जन चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हो आप, मल्टी पेज पे एन एडिटर, तो यहाँ से आपको वो ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टाक्लोनस। तो इससे आप यहाँ पर आप देख सकते हो, तो जो भी आपने इंस्टॉल करके रखा है वर्डप्रेस तो उसकी डिटेल यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अगर आपने कोई नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने ये पॉपअप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको चूज करना है कि आपको HTTP चाहिए या HTTPS चाहिए, और आपको WW चाहिए या बिना WW के चाहिए, तो जो अभी आपके हिसाब से सही लगे वो डाल देना। तो यहाँ पर मैं जो HTTPS है वो रहने देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको डोमेन सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर जितना भी डोमेन आपने होस्टिंग में डाल के रखे होंगे उसका लिस्ट आएगा, उसमें से जो भी डोमेन पे आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है उसे चूज कर लेना। इसके बाद यहाँ पर आपको ये जो इनडायरेक्ट वाला ऑप्शन है उसे ब्लैंक कर देना है, वहाँ पर आपको कुछ नहीं डालना। इसके बाद यहाँ पर आपको वर्डप्रेस का वर्जन चूज कर लेना है, तो यहाँ पर मैं जो वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन है वही रहने दूंगा। इसके बाद यहाँ पर आपको साइट नेम में साइट डाल देना है, जो भी आपको वेबसाइट का नाम डालना है वो, तो यहाँ पर मैं अपना साइट नेम डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको एडमिन यूजर नेम, तो एडमिन यूजर नेम आपको सिर्फ एडमिन नहीं रहने देना, कुछ आपके हिसाब से जो भी सही लगे वो डाल देना। तो यहाँ पर आपको इसे सेव कर लेना ताकि आप वर्डप्रेस में लॉग इन कर पाओ। तो यहाँ पर पासवर्ड भी कुछ जो डिफॉल्ट नहीं रहने देना,
कुछ जनरेट कर लेना, या फिर आपका जो हिसाब से आपके हिसाब से सही लगे वो आप पासवर्ड सेट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर एडमिन ईमेल में जो आपका वेबसाइट का एडमिन का ईमेल है वो डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हो, और कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो इतना कर लेने के बाद आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो वर्डप्रेस इंस्टॉल प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है एंड ये कंप्लीट भी हो चुकी है। तो थोड़ा टाइम लगता है, तो यहाँ पर इसमें अभी तो कुछ टाइम नहीं लगा, लेकिन हो सकता है कि आपको जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करो तो थोड़ा टाइम लगे, तो यहाँ पर आपको 1-2 मिनट वेट करना होगा। इसके बाद यहाँ से आप क्लिक करके जो हमारी वेबसाइट है वो देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो वर्डप्रेस है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो SSL सर्टिफिकेट है वो भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। इसके बाद यहाँ से हम वर्डप्रेस एडमिन है उसमें लॉग इन कर सकते हैं। और लाइव चैट से बात करनी है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल एंड जो उसका डिपार्टमेंट है वो चूज कर लेना है आपको। तो इसके बाद आपके साथ सपोर्ट टीम से आप बात कर पाओगे एंड जो आपका इश्यू है वो रिसोल्व कर देगी वो जो सपोर्ट टीम है वो। तो अगर आपको भी स्काला होस्टिंग बाय करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। आपको कुछ प्रोमो कोड डालने की जरूरत नहीं है, उस लिंक पे ही आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेलेबल है, तो वो आप इजिली एक्सेस कर पाओगे उस डिस्काउंट को। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने पूरा आपको बता दिया है कि कैसे क्या करना है। तो फिर भी अगर कुछ वीडियो में मुझसे छूट गया या आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो या इंस्टाग्राम पे और कहीं पे भी मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा वहाँ पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस चैनल में आपको वीडियो देखने को मिलेगी वर्डप्रेस के बारे में, होस्टिंग के बारे में, ब्लॉगिंग के बारे में, तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।